जैविक खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 500 करोड़ का बजट जारी किया है। ऐसे में तमाम जो कृषि वैज्ञानिक है वो गांव-गांव जाकर अपना कैंप लगाएंगे और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको मधुमक्खी पालन के बारे में भी जानकारी देंगे। ऐसे में लगातार एक हफ्ते तक की इस तरह की प्रक्रिया चलते रहेंगी। सुबह 10 बजे से और 1 बजे तक जो लोग जो यहाँ के किसान हैं उनको इस मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि अन्य दिन भी और जो फसल है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन प्रत्येक एक घंटा ज़रूर मधुमक्खी पालन के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन से जैविक खेती किस तरह उत्पाद बढ़ेगा उसके बारे में भी कुछ विषय इन्होंने बताए हैं। आज अलीपुर इलाके के तिगीपुर में पप्पन सिंह गहलोत जो कि यहाँ के जो मशहूर जो किसान हैं उसके घर पर इस मीटिंग को रखा गया था, जहाँ पर आसपास के तमाम किसान तो आए थे लेकिन दूर दराज से भी कई लोग इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आए थे, ताकि लोग इस मधुमक्खी पालन से किस तरह अपना जैविक खेती बढ़ा सकते हैं और कितना संतुष्ट हो सकते हैं। सर आज का क्या कुछ प्रोग्राम था, वैज्ञानिक केंद्र लगाया गया है क्या? हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के द्वारा ये जो है मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है 7 दिन का, जिसका उद्देश्य ये है कि जो नवयुवक हैं दिल्ली या दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के, वो इसको सीख कर खुद का रोजगार अपना कर सके। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें अलग से उन्होंने 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, ताकि जो नवयुवक हैं वो अपना खुद का रोजगार कर सके। तो उसी के तहत हम आज गांव तिग्गीपुर में ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज से हमने शुरुआत किया है, जो 30 तारीख तक चलेगा। ये एक ही विषय पर प्रोग्राम रखेंगे या अलग अलग? नहीं, अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो मधुमक्खी पालन के ऊपर है 7 दिवसीय, इसके बाद हमारा जो है मशरूम के ऊपर होगा, जो हम कृषि विज्ञान केंद्र जो नजबगढ़ के पास है वहाँ हम इसकी शुरुआत करेंगे। अभी अभी खाद की जो बात हुई थी उसके बारे में क्या कहते हैं, जो खाद के बारे में बताते हैं? जैविक खाद की बात करते हैं, जैविक एक नया कंसेप्ट है, वैसे तो ये पुराना है कि परंपरागत खेती की हम बात करते हैं, तो आज के संदर्भ में जरूरी होगा, क्योंकि विभिन्न जो बीमारियां हैं जो रासायनिक खादों या रासायनिक जो केमिकल दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं इनके द्वारा हो रही हैं, तो आज का नए जरूरी है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ भी आएं। किसान भाई जो है इसकी जो सब्जियां हैं, खासकर सब्जियों की हम बात करें तो आजकल देखते हैं कि बहुत सारी रासायनिक दवाइयों का प्रयोग होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, ताकि लोग जो है अच्छा खाएँ तो स्वस्थ रहें। सर कितना कुछ फ़ायदा है इस मधुमक्खी? जैसा कि अभी डॉक्टर राणा ने बताया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मधुमक्खी पालन का बजट 500 करोड़ तय कर दिया गया है, और इन्होंने बताया है कि वो हमें जो ट्रेनिंग मिलेगी सर्टिफिकेट देंगे उस पर आधारित हमें सस्ता ऋण भी मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी। और फायदा मधुमक्खी का पालन ये है कि जैसे हम जैविक खेती कर रहे हैं तो ये परागकण जैसे बॉक्स रख देंगे हम मधुमक्खी के, तो उसमें जैसे ये जो फल फूल है जैसे सरसों के फूल है या घिया के फूल है वहाँ से परागकण लेगी और उसमें सब्जी की उपज ज़्यादा होगी क्योंकि परागकण को बढ़ा देगी, और उस शहद की भी प्राप्ति हो जाएगी, शहद भी बिकेगा और जो है अपनी फसल भी अच्छी होगी, इसलिए बहुत लाभदायक है। और ये जो है प्रधानमंत्री ने जो है ये कार्यक्रम जो है दिया है डॉक्टर्स को, और एक बड़ा अच्छा इन्होंने किया है कि अब हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी सोसाइटी से पीताम्बर पप्पन मशरूम एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी से निवेदन किया था कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर से कि गाँव में जा के ट्रेनिंग दी जाए, किसानों को इतनी फुर्सत नहीं है कि पूरे पूरे दिन जाके भाई पूसा में जाए या कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में जाए, तो उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट मान लिया है। आज मेरे निवास स्थान पर डॉक्टर की टीम आई है, साप्ताहिक ट्रेनिंग चलेगी। इसी के बाद मैं बता दूं कि हमारे मुरथल सेंटर से मशरूम के प्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक आएंगे, मशरूम का भी ज्ञान दिया जाएगा, जैविक खेती का भी दिया जाएगा, और समापन समारोह जब होगा, अभी से मैं बता दूं कि हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर और कृषि मंत्रालय के उच्च अधिकारी और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ करनाल हॉर्टिकल्चर के हेड रीजनल डॉक्टर यादव भी पधारेंगे, जिस दिन ये जो है प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।